आफताब ने नार्को टेस्ट में किया खुलासा। सबसे पहले काटा था श्रद्धा का हाथ। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब ने नार्को टेस्ट के दौरान कबूल किया है। इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी उसने अपना जुर्म कबूल किया था। आफताब को पकड़ने के बाद पुलिस को तलाश थी उन हथियारों की, जिनका इस्तेमाल आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए किया था। लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने सब कुछ बोल दिया। उसने ये भी बताया कि सबसे पहले उसने श्रद्धा के हाथ के टुकड़े किए थे। पुलिस को वो हथियार मिल गया है जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि आफताब ने चाइनीज चापड़ से श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए थे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आफताब ने ये चाइनीज चापड़ कहां से खरीदा था। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले श्रद्धा की हाथ के टुकड़े किए थे। नार्को टेस्ट में उसने बताया कि उसने जिस छोटी आरी से श्रद्धा की बॉडी काटी थी उसे कहां फेंका था। पुलिस अब उस लोकेशन पर उस हथियार की तलाश कर रही है। बता दें कि पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि ये हथियार 18 मई के पहले तो नहीं खरीदे गए थे। अगर ये साबित होता है तो हथियार हत्या के पहले खरीदे गए थे, तो ये भी साबित हो जाएगा कि आफताब ने साजिश के तहत ही श्रद्धा की हत्या की है। हालांकि आफताब लगातार यही बात कह रहा है कि उसने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के कई महीनों बाद तक आफताब ने श्रद्धा का मोबाइल फोन अपने पास ही रखा था। मुंबई पुलिस ने जब उसे पूछताछ के लिए बुलाया था उस वक्त भी श्रद्धा का मोबाइल फोन उसके पास था। बाद में वो फोन उसने मुंबई में समंदर में फेंक दिया था। एफएसएल के अधिकारी संजीव गुप्ता ने बताया कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने जो भी जवाब दिए इसकी रिपोर्ट जल्द ही पुलिस से साझा की जाएगी। इसके बाद जांच टीम तय करेगी कि उन्हें तफ्तीश में आगे क्या करना है। दरअसल कई बार इन दोनों परीक्षणों के बाद जांच टीम ब्रेन मैपिंग टेस्ट से भी आरोपी को गुजारना चाहती है। अब इस केस में क्या होता है ये रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। आफताब के नार्को टेस्ट के लिए पुलिस अफसर ने मनोवैज्ञानिक यानी साइकेट्रिस्ट की एक टीम के साथ सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की थी। जिन सवालों पर पुलिस का ज्यादा जोर था वो सवाल सीधे सबूतों से जुड़े हैं, जैसे श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े या हड्डियां कहां कहां हो सकती हैं, श्रद्धा का मोबाइल और कपड़े कहां हैं, हत्या क्यों और किस दिन की, उसे कैसे मारा, वारदात के समय श्रद्धा के और खुद के कपड़े उसने कहां छुपाए, इसके अलावा शव के टुकड़े कैसे किए, उसके लिए हथियार कहां से खरीदे, टुकड़ों को घर में कितने वक्त तक रखा, टुकड़ों को कहां कहां ठिकाने लगाया और हथियार कहां फेंके। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब कई बार पुलिस की घंटों चलने वाली पूछताछ का सामना कर चुका है। उसका पॉलीग्राफ फिर नार्को टेस्ट हुआ। हर बार उसने बहुत शातिर तरीके से सधे हुए जवाब दिए। पुलिस अब तक की जांच में उससे कुछ भी नया नहीं पता लगा पाई है। पूछताछ के दौरान वो हर समय शांत दिखा, उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। अब उसके शौक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि उसे शतरंज का खेल बहुत पसंद है। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक बैरक नंबर 4 में बंद आफताब टाइम पास करने के लिए घंटों शतरंज खेलता रहता है। वो अपने बैरक में अकेले ही शतरंज की बिसात बिछाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सीटीवी।